फिलहाल आज ना मेरे पास बहुत सारे टास्क है। मुझे अपने दो रूम्स को रेंट पे चढ़ाना है। शॉप है ना जो मेरी, इसमें मुझे टोटल 10 कस्टमर को सामान बेचना है। और जो अपना गैस स्टेशन है उससे मुझे दो गाड़ियों में फ्यूल भरना है। तो फटाफट से चलते हैं अपने ऑफिस में, जल्दी से चल के इन सारी चीजों को ओपन कर देते हैं। क्योंकि भाई जब मैं सोने जाता हूँ ना, मैं सब कुछ बंद करके जाता हूँ, क्योंकि रात में आके फिर हॉर्न मारते हैं सब। तो पहले एक काम करते हैं, इन सबको हम लोग ऑन कर देते हैं ताकि कस्टमर्स आना चालू हो जाए। और ये जो मेरा पैसा है ना भाई, मुझे इन पैसों को बढ़ाना है। वैसे पता, पैसा कमाने का सबसे मस्त तरीका तो ये अपने मोटेल रूम ही है। ये देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ, चेकआउट का टाइम हो गया क्या इनके? तो देखो, अपना एक रूम तो किराए पे चढ़ा हुआ था जिसमें दो लोग आके रह रहे थे, बाकी जो दूसरा रूम है इसके अंदर शायद ये खाली है फिलहाल आज। तो इन दोनों से तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक पैसा आ जाता है, बट ये जो तीसरा रूम है ना, मुझे इसको कंप्लीट करना होगा। भाई इसकी हालत देख रहे हो क्या हो रखी है, इतना सारा कचड़ा पड़ा हुआ है भाई अंदर, पूरा इसे बनाना होगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा पैसा कमा के ना इसे थोड़ा एक लग्जरी 5-स्टार रूम बनाओ। मतलब बहुत मस्त अंदर पेंटिंग्स हो, पेंट अच्छा हो, फ्लोरिंग अच्छी हो, बाथरूम अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। बाकी ठीक है भाई, यहाँ पर एक गाड़ी आई है और ये लोग शायद से शॉप पे आया। बाकी यहाँ जिन लोगों ने चेकआउट करा था, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। चाबी दो भाई। तो ये है, ये भाई 48 आवर के लिए रहने के लिए आए थे, तो ये मिल गई चाबी। फेंक के को जा रहा है। चलो, तो अपने तीनों रूम एकदम खाली पड़े हैं, इस चाबी को यहाँ पे टांग देते हैं। तो देखो अभी ये लोग बाहर निकल के गए हैं, तो मुझे ना दोनों रूम की सफाई करनी पड़ेगी। बाकी कुछ शॉप पे लोग आए हैं भाई, रुक जाओ। भैया आया क्या? अच्छा भाई, फ्यूल भरवाने गाड़ी आई है, लेट्स गो। मुझे टोटल 10 गाड़ियों में फ्यूल भरना है। चैलेंज कंप्लीट होने पे शायद से कुछ बढ़िया बोनस मिले। तो इसने 10 लीटर फ्यूल मांगा, 10 लीटर डालते जल्दी से। वैसे पता है, गैस स्टेशन से पैसा तो आराम से कमा सकते हैं, बट ना यहाँ पे खड़े रहना पड़ता है देखने के लिए कि कहीं भाई ज्यादा फ्यूल ना चले जाए। मीटरिंग देखनी पड़ती है भाई, चेक। बस ज्यादा फ्यूल चले जाएगा भाई, नुकसान हो जाता है। चलो लेट्स गो, यहाँ से अच्छी खासी कमाई होगी। बाकी एक सेकंड भाई, ये बंदा कोई तो स्पोर्ट्स कार लेकर आया, शायद से ये लोग हमारे होटल में रुकने के लिए आए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैंने जल्दी से अंदर चल के पूरे का पूरा रूम क्लीन कर। ये देखो, ये जो लोग अभी निकल के गए ना, देखना क्या नासपीट है बेड पे। तो भाई सच में ऐसे लग रहा है गुटके थूके भाई इन्होंने। क्या क्या भाई, कितना कचरा करा है। जल्दी से सारा कचरा उठा के डालते हैं, क्योंकि भाई कस्टमर्स आ रहे हैं, उनके लिए भाई रूम ठीक करना पड़ेगा। तो कचरा सारा मैंने साफ कर दिया, अब जितनी भी जमीन पे मिट्टी विट्टी गिराई है वो भी क्लीन करते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लीन हो गया। बाकी जितनी चीजें हैं इसको मुझे उठा करना है, इस पे रखना है। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं अंदर लेके चलता हूँ। अरे अंदर नहीं ले जा सकते, यहीं छोड़ना पड़ेगा। बाकी हाँ यार, एक मिनट भाई, तू यहीं पे रुक, मैं जल्दी से आता हूँ। भाई यहाँ पे ना शॉप पे जो कस्टमर्स आए उन्हें सामान देना पड़ता है। वो भाई का भीड़ लगी हुई है, इतने सारे लोग आ गए। लाओ 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 भाई, सही कमाई होगी अब तो। लाओ भाई जल्दी जल्दी, नेक्स्ट। भाई शॉप से भी सही स्पीड में कमाई हो सकती है यार। और जितने भी लोग फास्ट बोल रहे हैं ना, वो देखो मेरे को रेटिंग देते हुए जा रहे हैं। नाइस nice. तो जितने भी लोग शॉप पर आए थे हमने सबको अच्छे से सामान दे दिया, पर शॉप थोड़ी गंदी है, जितना कचरा वचरा ये लोग गिराते हैं ना यार, मुझे ही उठाना पड़ता है सारा। ठीक है ठीक है, इन फ्यूचर एक सफाई वाला भी रखेंगे। बाकी एक बार जल्दी से अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये कोई तो लड़के आई है, इसको रूम चाहिए, इससे बात करते हैं। तो इसको 1 बेड वाला रूम चाहिए 4 12 आवर्स। एक मिनट रुक जाओ, बस मैं से थोड़ा वेट करने के लिए बोलता हूँ। पहले मैं चेक, भाई बहुत मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर पैसा कमाना है। तो पहले पता करते हैं, जो अपना ये वाला रूम है ना, रूम 2 रेडी है, तो इसे एक दिन के लिए चाहिए तो जल्दी से दे देते हैं। तो रूम 2 की ये वाली है, ये रखी यहाँ पे, एंड टेक दिस रूम। सब कुछ एकदम डन है, पेमेंट ले लेते हैं। $62 के हमें पेमेंट मिल चुकी है, लेट्स गो। बट यहाँ पर भाई एक और कोई तो कार आई है भाई, ये कैसी कार है, मैक्लेयर है क्या ये? अच्छा ये अलग रूम के लिए आई है वाली लड़की। तो देखो भाई दिक्कत की बात है कि अगर इन्हें हम रूम ना देना तो ये लोग हमारे मोटल की रेटिंग डाउन कर देते हैं। बाकी इसको सिंगल बेडरूम चाहिए 72 आवर्स, तो इसे वेट पे डालते हैं, क्योंकि हमारा एक रूम ना बस थोड़ी सी सफाई और करनी है, रेडी है यार वो ऑलमोस्ट। ये वाली चद्दर वद्दर हटानी है, वैसे धुलने के लिए जाएगी यार। ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे ना, अरे मैं क्या सो रहा हूँ, मुझे थोड़ी सोना है। अबे यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेडशीट नहीं है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। देखो यार मेरे को ना एक बेडशीट धो के डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टॉवल रख देते हैं, बाकी टॉयलेट पेपर भी रखना है। एक टॉयलेट पेपर रख दिया, ये रूम ठीक है, बस एक बेडशीट बिछानी है, अपना काम हो जाएगा। वो बेडशीट मुझे लग नहीं रहा मेरे पास है। अब भाई देखो जितनी देर में धो के लाऊंगा उतनी देर में ना कस्टमर चले जाएंगे यार। मेरे पास ना देखो यहाँ पर ये मशीन तो है, और इसे धोने पे लगाऊंगा तो 2.5 मिनट का टाइम जाएगा यार। नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करता हूँ, फास्ट डिलीवरी से जल्दी से एक मंगा लेता हूँ। अब यार ये अगर चली गई तो नुकसान हो जाएगा। डिलीवरी में जाके अगर मैं बहुत तेज 3-4 बेडशीट ऑर्डर कर दूँ, ऑर्डर मैंने स्लो ऑर्डर कर दिया। भाई देखो इसको 26 सेकंड में रूम रेडी चाहिए और अपने पास इतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं इसे 1 मिनट वेट करने बोलूंगा तो ये बाहर चलेगी। नाइस। चलो जितने भी कपड़े धुलने वाले थे वो मैंने यहाँ से सारे के सारे उठा लिए, फटाफट से भाई इसको लेकर चलते हैं, यहाँ पर अंदर रख देते हैं, ये धुलेंगे सारे। और ये जो बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाली थी, इसे अभी भी 1.5 मिनट चाहिए यार। मेरे को ना एक फास्ट वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए सबसे पहले, कपड़े भाई जल्दी धुलेंगे तभी तो काम होगा। बाकी यहाँ पर एक और कस्टमर आए थे, को क्या चाहिए भाई? 96 आवर्स के लिए सिंगल बेडरूम चाहिए। भाई वेट, इसको 72 आवर्स के लिए चाहिए था, इसको 96 आवर्स के लिए चाहिए, यानी इससे ज्यादा कमाई होगी। इसको तो भेज ही देंगे हम लोग वापस। और अभी मैं करता हूँ एक काम, मोटेल को क्लोज कर देते हैं ताकि और कस्टमर्स ना आए, क्योंकि भाई वो लोग आएंगे उन्हें रूम नहीं मिलेगा तो रेटिंग डाउन कर देंगे। और अभी मैं रेटिंग डाउन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि अपना मोटेल 1 स्टार कंप्लीट होने वाला है। मतलब अभी ये 1 स्टार भी नहीं है भाई। फ्यूल डलवाने के लिए गाड़ी आ रखी थी, बिना डलवाए चली गई, रेटिंग और डाउन कर गए। भाई रेटिंग की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है यार। इसको फुल 11.5 एकदम परफेक्ट। अबे एक और गाड़ी क्यों आ गई? भाई तू यहीं पे वेट कर, मैं आ रहा हूँ। वो जो कपड़े धुले ना, बस ये भाई बेडशीट रख कर आनी है। ओके हो गया। नहीं नाइस, तो ये एक बार यहाँ रखते हैं, बाकी सारे कपड़े धुलने के लिए डाल देता हूँ मैं।
कपड़े धुलने लग गए हैं, बेडशीट ले जाके रखनी है बस जल्दी से। ये है कमरा रेडी, बेडशीट रखी, एक बार इससे पता कर लेता हूँ। हाँ जी अब बता, क्या अपना रूम? अबे यार रूम 1 रेडी नहीं है क्योंकि मुझे ब्लैंकेट भी लाके रखना पड़ेगा। अरे अरे वेट थोड़ा वेट करो यार, ब्लैंकेट मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है क्या यार? यार मेरे पास कुछ भी पता एक्स्ट्रा नहीं है यार, मुझे ना आपसे सारी चीजें एक्स्ट्रा मंगानी पड़ेगी क्योंकि धुलने जाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है और ये अभी नेगेटिव रिव्यू देके जाने वाले हैं क्योंकि मैंने इन्हें टाइम पर भाई इनका रूम रेडी करके नहीं दिया। क्या आप एक मिनट और रुकेगी? चलेगी भाई, इस बार तो गुस्से में चलेगी भाई। अभी ये लोग मेरा वेट नहीं करने वाले यार। भाई क्लच मारना पड़ेगा लग रहा है यार, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा लोड आ जाता है भाई काम का सचमुच में। अबे क्या हो गया, टाइम खत्म हो गया इसके लिए? फ्यूल तो नहीं खत्म होगा? फ्यूल तो मेरे पास बहुत पड़ा है यार, 200 लीटर फ्यूल था। गैस स्टेशन में यार एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, मुझे ना खड़े होकर प्रॉपर वेट करना पड़ता है ताकि भरे फिर जाए, मैं इस चक्कर में बाकी काम नहीं कर पाता। चलो अभी ज्यादा डल गया, सॉरी ये देखो 16.3 डलना था, 1 लीटर ज्यादा डल गया यार, पैसे दे दे एक्स्ट्रा यार। भाई वेट, जो कस्टमर्स मोटेल पे आए थे वो तो चले गए भाई, गाड़ियां छोड़ गए। क्या यार कोई बचा है यहाँ? नहीं भाई सब गए। इस रूम में जो आए थे वो तो है ना, अरे नहीं सॉरी इस रूम में, इस रूम में एक जन आया तो था। देखो ब्लैंकेट धुलने वाले होंगे, एक काम करता हूँ मैं मोटेल वापस ऑन कर देता हूँ ताकि और नए कस्टमर आ जाए। भाई देखो अब से मैं मोटेल तभी ओपन करूंगा जब मेरे पास सब कुछ एकदम रेडी होगा। उसके यहाँ विंटेज कार लेकर आई है भाई लड़की, तो 15 लीटर फ्यूल डलवाई है, तो अपने यहाँ पे डिलीवरी भी आई है, इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे। और एक सेकंड भाई वो भर गया होगा, अभी तो बचा है काफी। चलो जो डिलीवरी हमने मंगवाई थी वो सारा सामान यहाँ पर आ चुका है, मशीन से भी सब कुछ धुल गया है, वो सारा हम लोग इस पे रख देते हैं। और भाई देख वेट वेट, उसकी गाड़ी में फ्यूल ज्यादा चला गया होगा। अबे यार 15 लीटर डलवाना था, 18 लीटर डाल दिया यार, ऐसे काम नहीं हो सकता भाई, ऐसे काम नहीं हो सकता, मुझे मुझे टाइम पर वापस आना पड़ेगा भाई। इसे 18 लीटर चाहिए, दोबारा चलते हैं। तो देखो हमारे को बस एक ब्लैंकेट देना था, ब्लैंकेट एकदम रेडी है, इसको इसमें डाल देता हूँ मैं। और मुझे अब बस ये वाला रूम रेडी करना है ना, तो बस यहाँ पर ब्लैंकेट लगाना है। प्लेस डन, ये रूम हो गया रेडी। अब फ्यूल बस उसकी गाड़ी में ज्यादा ना डल गया हो। मल्टीटास्किंग 16 बाई टाइम पर आ गया इस बार में। है इतनी मल्टीटास्किंग शायद नहीं करनी चाहिए, उतना तो मैं कमाऊंगा नहीं जितना नुकसान कर दूंगा। चलो एकदम परफेक्ट फ्यूल डाल दिया भाई, मैं गैस स्टेशन बंद कर रहा हूँ यार, ये मेरे लिए थोड़ा नुकसान का सौदा हो रहा है। थैंक यू। चलो सर एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेने आया। चलो ये हुई ना अच्छी कमाई, टिप भी दी भाई उसने $3। भाई इसके यहाँ कितने सारे कस्टमर आए शॉप पे, पार्टी वार्टी में जा रहे हो भाई? तो फिनिश कर देते हैं वाले डिलीवरी। और भाई जितने लोग भी शॉप पे आ रहे हैं ना भाई, ये लोग बहुत कचरा मचा रहे हैं, तो ये सफाई भी करना जरूरी है। मुझे जो कचरे का बैग है भाई इसको ना यहीं से फेंकेंगे उस कचरे के, आओ बाहर रहेगा। लेट्स गो भाई, यहाँ पर तो लाइन लगी पड़ी है, आओ भाई। अब मैं जिसको जितनी जल्दी जल्दी सामान दूंगा बिना वेट कराए वो उतनी ज्यादा टिप देगा मुझे। वैसे टिप नहीं सॉरी रेटिंग देगा, टिप तो कोई कोई अपनी मर्जी से दे रहे हैं भाई। चलो भाई सामान कितना गिराते हो यार तुम। गैस स्टेशन पे वैसे सबसे ज्यादा गाड़ियां आती है, अगर मैं एक एम्प्लॉय हायर कर लूँ ना तो भाई मस्त कमाई हो जाए यार, दबा की गाड़ियां 19 लीटर नाइस। देखो जब तक ये फ्यूल भर रहा है मैं यहीं पे वेट कर लेता हूँ यार, रुक जाओ, मैं नहीं चाहता मेरा नुकसान हो भाई। काम करते करते सुबह होने वाली है, लिटरली मैं सोया ही नहीं हूँ अभी। वैसे मैं थक नहीं रहा हूँ बट हाँ इस गेम में सोना जरूरी है, अदरवाइज जो हमारा प्लेयर है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। 19.9 है ना, चलो पूरा एकदम मस्त फ्यूल डाल दिया। लाओ भाई गैस स्टेशन बंद कर देते हैं क्योंकि यार ये सच में टाइम कंज्यूमिंग तो है, तो गैस स्टेशन को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि लोग आना कम करें। और यहाँ पर एक कस्टमर आई है, इसको आई वाज इन रूम 2 4 12, अच्छा चेकआउट के लिए आई है यार, मुझे लगा था कोई कस्टमर आया है। चलो रूम 2 खाली हुआ है, उसकी भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। ये तो अकेली थी इसने, खैर गंद तो मचाया है भाई ऐसी बात नहीं है, तो इसका रूम साफ कर देते हैं। ओ वेट 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 भाई, यहाँ पर अभी एक न्यू कस्टमर आ चुका है शायद से रहने के लिए। नाइस, मोटेल ओपन था ना, ये वाला रूम तो जल्दी रेडी हो जाएगा भाई क्योंकि बस सब कुछ ना धुला रखा हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो अभी अपने पास दोनों रूम रेडी है, बस इस रूम की ना सफाई करनी है यार। क्लीन है? क्लीन है नहीं है समझ नहीं आ रहा भाई। वैसे हमारे पास गन भी है, मैंने दिखाई नहीं है, अपने पास गन भी है। तो मुझे यहाँ पे रखनी है एक ब्लैंकेट, बेडशीट मैंने रख दी है, ब्लैंकेट रखनी है। ठीक, तो ये रूम रेडी है, बस एक टाल और एक टॉयलेट पेपर भी रखना है। ये हो गया टाल, ये प्लेस कर देते हैं जमीन पे। भाई यहाँ पर कुछ अपने पास वो नहीं है यार, बट टॉयलेट पेपर के लिए है, तो इसको इसमें अटैच कर देते हैं। बस भाई ये रूम तो रेडी हो गया, जितने कपड़े निकाले सारे भी धुलने जाएंगे, बट हाँ इन लोग को पहले रूम दे देते हैं। हाँ जी भाई बताओ। 36 आवर्स के लिए सिंगल बेडरूम, वेट कर, ये रूम 2 में जाता हूँ, जल्दी जल्दी पेमेंट हो जाए भाई। रूम मस्त रेडी है, लेट्स गो। 164